तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल होलसम सा मोमेंट हो गया है, क्योंकि बीइंग अ कबड्डी फैन, बीइंग अ बेंगलुरु बुल्स सुपर फैन, यहाँ पर प्रदीप नरवाल को मैंने मेरे आंखों के सामने मेरी टीम में आते हुए देखा है। मैं लाइक लिटरली प्रदीप नरवाल के बाजू में ही बैठा था, और प्रदीप नरवाल को मैंने बोला भी था कि आपने सीजन 2 की शुरुआत बेंगलुरु बुल्स के साथ ही करी थी, और प्रदीप नरवाल और मैं बात ही कर रहे थे, और उसी मोमेंट में बेंगलुरु बुल्स में प्रदीप नरवाल यहाँ पर वापस आ चुके हैं 70 लाख रुपये में। मेरे लिए तो ये होलसम बिल्कुल मोमेंट है। द डुबकी किंग, द ट्रेंड सेटर, द रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल इज इन माय टीम। सो अब टीम में देखा जाए तो रेडर्स आ चुके हैं, प्रदीप नरवाल आ चुके हैं, अजिंक्य अशोक पवार आ चुके हैं, हमारे पास मेन रेडर भी है, सपोर्ट रेडर भी है, रेडिंग डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भरत को नहीं ले पाए, बट रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट सौरभ नंदल है, और डिफेंस में भी थोड़ा काम कर लेंगे। टीम अभी तो थोड़ी बैलेंस दिख रही है, स्ट्रांग दिख रही है, मजा आने वाला है। सो वो मूवमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्योर था। प्रदीप नरवाल और मनिंदर सिंह मेरे बाजू में ही बैठे थे, मैंने उनके साथ ही बैठ के पूरा आज का ऑक्शन देखा है। दैट इज़ सो हार्टफुल थिंग फॉर मी, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने आज। उन्हीं के साथ बैठ के कबड्डी की बात करी मैंने उनके साथ, कौन सा प्लेयर किस टीम में जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजीज टीम अपना रही है, ये मैंने खुद प्लेयर्स से जाना है। प्रदीप नरवाल के साथ बैठ के मैंने ये खुद बातचीत करी है, तो दैट वॉज अ डेफिनेटली मूवमेंट फॉर मी।